मैं तो एक महिला विरोधी जो सोच होती है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए छोटी बीजेपी जो महाराष्ट्र में उभर कर आई है उसकी दिखाता है कि एक महिला मंत्री आपको काबिल नहीं लगी जिनको आप ये जिम्मेदारी दे सकते थे, और एक जो महिला विरोधी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर आपने एक मंत्रिमंडल से उद्धव साहब ठाकरे से एक इस्तीफा दिलवाया था उनको आप मंत्री पद दे देते हैं। तो इसी से स्पष्ट होता है कि ये लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, और बहुत सारी ढेरों बातें होती हैं प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्लियामेंट के अंदर होती है, पार्लियामेंट के बाहर होती है, पर हकीकत में महिला विरोधी काम हो रहे हैं। और ये मंत्रिमंडल जो बना है वो महाराष्ट्र की जो इतिहास रहा है, कल्चर रहा है, ईथोस हुआ है, जहाँ पे महिलाओं को आगे रखकर महिलाओं को जिम्मेदारी देकर चलने वाले राज्य है, उनमें अपने महिला को ही दूर रखा है। संजय राठौड़ को इंट्री किया है, लेकिन अभी महिला और बाल कल्याण मिनिस्ट्री होती है, तो इसको किसके रखेंगे, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये लगातार देखा जाए तो महिला और बाल कल्याण मंत्रालय क्योंकि बार बार उनके प्रवक्तागण कह रहे हैं संजय राठौर जी को क्लीन चिट दी है, चित्रा वाघ जी ने वो लड़ाई लड़ी है, तो संजय राठौर जी को ये जिम्मेदारी दे दीजिए महिला और बाल विकास की। क्योंकि अगर क्लीन चिट मिली है और उन पे सारे आरोप जो हैं सब गलत हैं, तो क्योंकि आपके लिए महिलाओं के लिए जगह नहीं है, तो वो भी मंत्री पद आप उन्हीं को दे दीजिए। मुंबई में देखा जाए तो जो शिंदे गुट है उन्होंने मिनिस्ट्री नहीं दी है, बीजेपी की मिनिस्ट्री वहां से, ऐसा लगता है कि बीजेपी को उन्होंने स्पेस दिए शिवसेना के खिलाफ के लिए। शिवसेना के खिलाफ जो लड़ेगा इस समय पे मुंबई में वो धूल चाटेगा। मुंबई की जनता हो या महाराष्ट्र की जनता हो, सबने देखा है किस तरीके से एक पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में मुंबई में पले बड़े मुख्यमंत्री को आपने उनके पीठ में खंजर घोपा है, आपने उनके साथ विश्वासघात किया है, आपने गद्दारी की है। और मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है और देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, उसमें आपने एक ही एमएलए को जिम्मेदारी दी है, तो बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी नहीं, महाराष्ट्र विरोधी ही नहीं, मुंबई विरोधी और मुंबई निवासियों के विरोधी, आरे फॉरेस्ट से लेकर निर्णय हो और ये बुलेट ट्रेन का निर्णय हो, ये सारे महाराष्ट्र विरोधी काम जो कर रहे हैं वो उससे पता चल रहा है। देखा जाए तो शिवसेना पहले बीजेपी के साथ थी, लेकिन बीजेपी के साथ जो पक्ष थे वो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं, उनको छोड़ के चले जा रहे हैं। बिहार में भी ऐसा होने हो रहा है किसी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मॉडल हो गया है, वो मॉडल के विपक्ष तो होना ही नहीं चाहिए। पहले उनका गला घोट दो, उनको चुप करा दो, उनको सस्पेंड कर दो, उनको उनके पीछे ईडी लगा दो।